स्वागत है आपका शब्दों की खेती में। आज प्रस्तुत है फिल्म तंत्र की क्यारी का नूतन सुमन अपंगता। किसी अपंग को देखकर जनमानस में केवल करुणा का ही भाव नहीं जगता, वरन किसी अज्ञात सत्ता के व्यापक आतंक का आभास भी होता है। सार्वजनिक सहानुभूति से किसी अपंग की हीन भावना कम हो जाती है तो वो नई उमंग के साथ आगे बढ़ता है। अपनी अपंगता को अपनी सौम्यता या शिष्टाचार से पूरित करते हुए अपने कार्य की दक्षता से सबका मन मोह लेता है। धीरे धीरे वो समाज में अपने लिए एक ऐसी जगह बना लेता है कि उसके जिक्र के बिना उसके समाज का जिक्र अधूरा सा लगता है, क्योंकि उसके चरित्र की विशेषताएं बेहद निजी और निराली होती है। फिल्मी कथानकों में जिस समाज की घटना होती है उसी परिवेश के पात्र होते हैं। इन्हीं पात्रों में यदा कदा अपंग पात्र भी पर्दे पर आते और छा जाते हैं। ऐसे पात्रों का चरित्र केवल नाटकीय ही नहीं मर्मस्पर्शी भी होता है। इनकी भूमिकाएं अभिनीत करने वाले कलाकार फिल्मी दुनिया के स्वस्थ एवं सुदर्शन सितारे हुआ करते हैं। दिलीप कुमार की पुरानी और अच्छी फिल्मों में दीदार को लोग अभी भुला नहीं पाए हैं, जिसमें उन्होंने एक अंधे गायक का किरदार निभाया था। शोले में एके हंगल, आंखें में अक्षय कुमार और उसके दो साथियों का तथा गोलमाल में परेश रावल और उसकी पत्नी ने अभिनय की दृष्टि से तरह तरह के अंधे पात्रों को सहजता के साथ जिया। देवानंद ने हम दोनों में डबल रोल किया, जिनमें से एक रोल में लंगड़े सेना अधिकारी का अभिनय भी सम्मिलित था। इस रोल को देवानंद ने इतने प्रभावशाली ढंग से अभिनीत किया कि उसे प्रसंगवश अभी भी याद किया जाता है। कालांतर की एक फिल्म साजन में संजय दत्त का विकलांग होने का अभिनय भी काफी सराहा गया। शेष फिर कमेंट करके सुझाव दीजिए। आभार।